हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाला कन्हैया केशव, मेरे प्यारे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का उनकी लीला का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। आज एक बहुत अहम विषय, बहुत अहम चर्चा में के साथ आपके साथ आई हूँ। आज का जो विषय है चर्चा है वो निर्जला एकादशी की जो पूजन हमें करनी है वो कैसे करनी है, किस प्रकार से जो लोग नहीं कर सकते हैं वो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरि बोलो। 12 एकादशियों में सबसे जो महान एकादशी कहा गई है, जो जेठ माह के इतनी गर्मी इतने तपन के महीने में निर्जला एकादशी आती है, वो मेरे श्री हरि नारायण की अति प्रिय एकादशी होती है। इस एक एकादशी को कर लेने से जो पूरे 12-11 एकादशी होती है उनका फल आपको मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी के एक दिन पहले हमें कैसे क्या करना है, निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना है और कैसे हमें अपना जो पूरा दिन रहेगा वो व्यतीत करना रहेगा। तो देखिए, जो एकादशी इस बार पड़ रही है निर्जला, वो 31 को पड़ रही है, 31 मई को। आपको 30 मई को जो भी व्रती है, मैं बता दूं, 30 मई को दोपहर से एकादशी लग जाएगी, जो कि 31 तारीख को 1:45 तक रहेगी और 30 तारीख को 1:05 से एकादशी लग जाएगी। तो जो मान्य होगी वो उदया तिथि की एकादशी मान्य होगी, जो कि रहेगी 31 मई को। जो भी लोग व्रत रहेंगे उनको बहुत ध्यान देना है, 30 तारीख से ही उनका व्रत शुरू हो जाता है। जैसे 30 तारीख से रात्रि में आपको प्याज लहसुन चावल मदिरा जो भी तामसिक भोजन है उसका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। आपका जो व्रत रहेगा वो रात से ही शुरू हो जाएगा जी। रात से शुरू होने का मतलब है कि भोजन जल्दी कर लीजिएगा, प्याज लहसुन का सेवन ना करिएगा और चावल का सेवन तो किसी भी सूरत में नहीं करना है। फिर 31 तारीख की सुबह को आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में घर को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिएगा, खुद स्वच्छ हो जाइएगा। उसके बाद में आपको जिस प्रकार से मैंने पहले भी पूजन आपके साथ में शेयर की हुई है, आप एक बार देख सकते हो, और नहीं तो आपको सिंपल जैसे आप पूजन एकादशी की करते हो अपने मंदिर की चौकी पे भी कलश रख के कर सकते हो, नहीं तो यदि आप लोग तो चौकी लगा के करना चाहते हैं तो पीला वस्त्र बिछा करके प्रभु की आप चित्रपट भी रख सकते हैं, प्रभु का विग्रह भी रख सकते हैं, लाला को लाली को विराजमान करके आप अपना जो व्रत है उसको शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की जो शुरुआत करिएगा, सुबह सबसे पहले घर को स्वच्छ करके खुद स्वच्छ हो जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा, फिर आपको प्रभु की पूजन अर्चन करनी है, विधि विधान से करनी है जिस प्रकार से आप सारी एकादशी में करते आ रहे हैं। फिर आपको पीले वस्त्र ही धारण करिएगा उस दिन और लाला लाली को भी पीले ही वस्त्र पीले ही पुष्पों से उनकी पूजन अर्चन करिएगा, पीले ही चंदन से। फिर बात आ जाती है पूरा दिन आपको कैसे करना है। तो देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, लाला मेरे प्रभु मेरे नारायण मेरे हरि मेरे बिहारी लाला बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। आपकी शारीरिक क्षमता अनुसार आप व्रत रखिएगा। यदि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप जेठ के महीने में अगर आप व्रत रख सकते हैं तो आप प्रभु का व्रत रखिए, नहीं तो प्रभु आपकी शारीरिक क्षमता से बहुत अच्छी तरीके से, प्रभु तो प्रभु की ही कृपा से एक पत्ता हिलता है, तो वो आपकी शारीरिक क्षमताएं भी देख रहे हैं, आपके अंदर कितनी ताकत है कितनी क्षमता है वो भी वो देख रहे हैं और श्रद्धा भी देख रहे हैं। प्रभु की यदि आप पूजन एकादशी में आप निर्जल नहीं रह के कर सकती है तो इसमें जरा भी आप कोई भी अपने मन में कष्ट ना लाइए, अपनी शारीरिक रूप से करें। देखिए, ये व्रत पीड़ा थोड़ा जेठ के महीने में गर्मी के महीने में निर्जल होता है, लेकिन इसका जो पुण्य होता है प्रताप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और लाला का नाम लेते हुए आपको पूरा दिन आप अपना बिताइए, अच्छे से आप लाला की पूजन करिएगा, प्रभु को उस दिन भोग जो आप लगाइएगा वो शरबत का हो गया, सत्तू का हो गया और जैसे खरबूज का हो गया, खीरे का हो गया, इसी का ठंडा भोग लगाइएगा जी। इस प्रकार से आपका पूरे दिन की दिनचर्या हो जाएगी। और देखिए, तो ये देखिए मेरे हाथ में है कुछ तुलसी माता की लकड़ी, ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में इसका मिलेगा।
ये एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन आप इस तुलसी के जो लकड़ी का दीपक है इसे प्रज्वलित करेंगे। मैं इसे कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करूंगी वो अपने दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी। और निर्जला एकादशी में ही नहीं, आप हर एकादशी में ये दीपक कैसे बना के रख सकते हो सब आपके साथ में मैं शेयर करूंगी अपने दूसरे पार्ट में। फिर बात कर लेते हैं पारण की। तो देखिए पारण जो आपको करना है, क्योंकि 31 तारीख को आपको, अगर आप निर्जला व्रत रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। निर्जल आप ना ही जल का सेवन ना ही अन्न का सेवन आपको करना है तो बहुत ही अति उत्तम है। लाला की आपके ऊपर अति असीमो असीम कृपा है। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप लाला का फलाहार व्रत कर लीजिए। पानी जैसे बहुत ज्यादा नहीं, आपने सुबह एक पहर तक का 12 बजे तक का पानी नहीं पिया। 12 बजे के बाद यदि आप कोशिश करें कि जितना देर आप नहीं पी सकते हो, अगर आपको लगता है कि शारीरिक आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो तो आप पानी एक बार पी भी सकते हो। क्योंकि देखिए प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा, प्रभु सारी आपकी स्थिति जान रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि यदि आपने निर्जल एकादशी का संकल्प ले लिया है तो फिर आपने अगर संकल्प ले लिया है प्रभु के सामने तो आप अपना व्रत जरूर पूर्ण करिएगा। 1 तारीख को आपको कैसे क्या करना है, 1 तारीख को यदि आपको भोजन, आप ब्राह्मणों को सबसे पहले सर्वप्रथम आपको उठकर वैसे ही पूजन अर्चन करनी है, प्रभु की पूजन अर्चन करिएगा। उसके बाद में जो बहुत आवश्यक होता है इसमें, आपको जो दान करना है, दान के लिए आपको मटका हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, जिन चीजों से हम खुद को गर्मियों में बचाते हैं उन्हीं चीजों का हमको दान करना है। मटका, खीरा, ककड़ी और जितनी भी ठंडी वस्तुएं चीजें होती हैं, छतरी का दान करिए, इन सब चीजों का आपको दान कर देना है। आपके पास अगर ब्राह्मण आपको मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना होता है, तो आप क्या करिएगा कि कुछ सीधा निकाल के रख सकते हैं। आप खुद पारण करने से पहले आप सीधा निकाल करके रख दीजिएगा, जिसमें दाल चावल आटा नमक फल सब्जी सब आ जाता है। वो आप जो वस्तु जो सामग्री होगी उसको आप अलग कर दीजिएगा, दक्षिणा अवश्य डाल दीजिएगा, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। नहीं तो आप ये सारी वस्तुएं जा करके मंदिर में दान करते फिर आप आकर के पारण कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप घर में ब्राह्मण नहीं बैठा के भोजन करा सक रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, मीठे में जलेबी ले लीजिए, पेड़े ले लीजिए, आप वो भी उन सामग्री के साथ में मिला करके मंदिर में जो ब्राह्मण है आप उनको दान दे करके फिर आप अपना जो व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। पारण तुलसी पत्र से करिएगा। एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी जी को छूते हैं ना ही जल डालते हैं, तो आप पहले ही एक दिन सारा तुलसी पत्र वगैरह तोड़ के रख ले। जो पारण करिए वो आपको तुलसी पत्र को अपने मुंह में रख के पानी से बिल्कुल अंदर निकल लेना है। तो इस प्रकार से पूजन अर्चन करिएगा निर्जला एकादशी की। एकादशी महा एकादशी और बहुत ही ज्यादा फलदायी एकादशी होती है, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन देखिए यदि ऐसा ना हो कि लाला को भी कष्ट हो, कि आपको कष्ट हो, आपने व्रत उठा दिया, बहुत सोच के उठाइएगा। और अगर उठा दिया है तो पूर्ण भी अवश्य करिएगा, वो ताकत तो सब हमारे लाला हमें दे देते हैं। तो इस तरीके से आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। बहुत ही सिंपल व्रत रखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से पूजन अर्चन करिएगा। तुलसी माता को स्पर्श नहीं कर सकते हैं लेकिन दीपक जरूर जलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। और ये जो दूसरा पार्ट आएगा इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।